22. The geometries of the ammonia complexes of Ni plus 2, Pt plus 2, Zn plus 2 respectively. देखिए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि जब आप Ni plus 2 का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं जब इसका रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है Ni NH3 होल 6 प्लस 2. क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3d2 या d2sp3 बट दोनों की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल. इसके बाद कर रहा है pt plus 2 का रिएक्शन जब अमोनिया से होगा तो बनता है pt ns3 होल 4 प्लस 2. देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 में दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3 और dsp2. लेकिन अगर अपन 3d की बात करें तो 3d में dsp2 भी हो सकता है sp3. लेकिन अगर 4d 5d में बात करते हैं तो 4d और 5d में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हमेशा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और शेप होता है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर अगर अपन बात करें जिंक की Zn plus 2 का रिएक्शन जब अमोनिया से होगा तो बनेगा Zn NH3 होल 4 प्लस 2. क्लियर भाई. और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल तो इसके हिसाब से पहला ऑक्टाहेड्रल देन स्क्वायर प्लेनर देन टेट्राहेड्रल. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें सिंपल एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने क्वेश्चन है. आप देखोगे एच प्लस हटाते हैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं. नेगेटिव चार्ज जैसे यहां से एच प्लस हटाओगे नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेगा तो इसके हिसाब से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एसिडिक स्ट्रेंथ ये आएगी सबसे ज्यादा फर्स्ट फिर सेकेंड फिर आएगा थर्ड फिर आएगा फोर्थ. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 24 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. यहां पे कंपाउंड दिया है CO CH CH3 CH3. सबसे पहले HCHO NaOH एक्सेस में है. बात समझे क्या होगा. यहां से H- हटेगा कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा तो पहला केस हुआ कि भाई यहां से CO CH CH3 CH2OH. अब ये जो बना इसमें HCHO एक्सेस में थी तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल टाइप का. तो देखिए ये हो गया रिड्यूस और ये हो गया ऑक्सीडाइज. तो यहां से COH CH3 CH3 CH2OH प्लस HCO माइनस. तो ये जो कंपाउंड बना इसकी रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में HCHO के साथ करा रहे हैं. ये H प्लस O के लोन पे अटैक करा के यहां कार्बोकेटन जनरेट करा सकता है बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकेटन बन रहा है. तो यानी कि पहले यहां से जब H प्लस की रिएक्शन हुई
और यहां पे रिएक्शन इसकी वापस हो जाएगी. तो ये O का लोन पेयर यहां पे क्या करेगा, अटैक मारेगा पॉजिटिव चार्ज पे. बात जरा समझी जाए. यहां पे जब ये O का लोन पेयर, ये O का लोन पेयर यहां पे अटैक मारा, तो यहां पे देखिए क्या होगा. यहां पे CH के साथ O डबल बॉन्ड CH2 यहां पॉजिटिव, और यहां से CCH3CH3CH2OH. बात जरा समझी जाए. जब ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया, यहां पॉजिटिव, इसमें O का लोन पेयर, जिससे देखिए क्या बना. और यहां से कैटलिस्ट था तो H प्लस अलग हो गया, माइनस H प्लस. तो यहां से फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, बात जरा समझना, यहां से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, CH इसके साथ लगा है C2CH3, इधर चलते हैं, इधर CH2, इधर O, इधर CH2, इधर O, इधर ये, इस तरह का नजर आएगा. तो इसके हिसाब से आंसर CH3, CH2O, CH2O, CH, ठीक है. तो इसके हिसाब से आंसर जो बनेगा, आंसर इज A.